सामान्य गरीब छोटे किसान का तो उसमें नामो निशान नहीं था। जिसको सबसे जरूरत थी इसकी उनकी योजना में कोई परवाह नहीं थी और उन तक कोई लाभ पहुंच भी नहीं पाया था। लेकिन आदरणीय सभापति जी, जब किसान कल्याण हमारी सरकार के हृदय में केंद्र में हो तो नीतियां कैसी बनती है, कल्याण कैसे होता है, लाभ कैसे पहुंचता है, उसका मैं इस सदन को उदाहरण देना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई और पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अप्रोप्रिएट आई 10 करोड़ किसानों को हुआ अनपार्लियामेंट्री प्रैक्टिस आई और 6 साल में की जनरेशन ऑफ हमने प्लीज टेक योर सीट 3 लाख करोड़ रुपए टू टेक देयर सीट हम किसानों को दे चुके हैं। इज अनबिकमिंग ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट आदरणीय सभापति जी, अनबिकमिंग ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। मुकाबला करना इसके लिए जिनके हौसले नहीं है वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं, इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ।